वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कार्डियस 5 मेडिसिन के बारे में, जो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। 122 रुपए की आपको 15 ये टैबलेट मिल जाती है, एंड सनोफी फार्मा की तरफ से देखने वाली एक एथिकल मेडिसिन आती है। बेसिकली ये एक ACE इनहिबिटर मेडिसिन होता है, जिसको आप कह सकते हो जैसे कि हार्ट डिजीज के लिए यूज होने वाली दवाइयाँ, जैसे BP वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हार्ट फेलियर कंडीशन में ACE इनहिबिटर मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। सो गाइज, ये आपको मेडिकल में इजीली मिल जाएगा, लेकिन शेड्यूल एच के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। विदाउट डॉक्टर कंसल्ट के आप इस मेडिसिन का यूज नहीं कर पाएंगे। सो इस प्रकार से आपको ये अवेलेबल हो जाती है। कैप टैप में बेसिकली ये होती है इस तरीके से पैकिंग में, एंड काफी अच्छे टॉप लेवल ब्रांड के है, सनोफी फार्मा की तरफ से देखने को मिल जाता है। अलग अलग क्वांटिटी में ये मिल जाता है, 1.25 mg में, 2.5 mg में, एंड 5 mg में, एंड 10 mg में आपको इस तरीके से टैबलेट में मिल जाते हैं। कार्डिश के नाम से ये एक ब्रांड है, अदर ब्रांड के आपको देखने को मिल जा सकता है। जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है आपका रैमेप्रिल। रैमेप्रिल इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। एंड यूजेस के बारे में देखें तो बेसिकली ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। जिनका हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, BP बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ हार्ट फेलियर की कंडीशन में यूज़ किया जाता है, एंड स्ट्रोक होना, एंजाइना होना जिसको कहते हैं ना, छाती में जलन सा हो रहा, दर्द सा होना शुरू हो जाता है, एंड किसी को अटैक आया हो तो उनकी सेफ्टी के लिए इस मेडिसिन को लिया जा सकता है, ताकि उनको आगे चलकर अटैक ना हो सके। ये अटैक के कुछ कंडीशनों को कम कर देता है, जैसे कई बार बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये BP को कंट्रोल कर देगा, BP को कम कर देगा तो अटैक आने के चांसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। काम भी ये इसी तरीके से करता है। बेसिकली ये ब्लड वेसल्स को जो होता है वो स्लो कर देता है या कम कर देता है, जिससे BP जो होता है अपना आप कंट्रोल में आ जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। निषेध के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान या जो मदर फीडिंग माताएं होती है, जो बच्चे को दूध पिलाती है, उनको इस मेडिसिन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, निषेध है ये बेसिकली। डोजेस के बारे में देखें तो 2.5 mg से लेकर 5 mg तक इसको दिन में एक बार लिया जाता है, और ओवर डोज यानी बहुत ज़्यादा तक 10 mg तक इसको बढ़ाया जा सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डोज होता है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की है तो ओवरडोज बिल्कुल ना ले, BP डाउन होने की वजह से चक्कर वगैरह उल्टी वगैरह हो सकती है। साथ ही साथ इसको ज़्यादा यूज़ करने से किडनी फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, खांसी हो सकती है, डायरिया होना, चक्कर आना, थकावट महसूस होना, एंड स्वेलिंग होना, फेस पे अधिकतर स्वेलिंग इस मेडिसिन से हो सकती है। प्रिकॉशंस, इसको लेने के बाद किसी तरीके से कोई ड्राइव ना करे, कोई मशीनरी काम ना करे, क्योंकि नींद वगैरह सुस्ती वगैरह हो सकती है, या कभी यार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से नींद ऑब्वियसली आपको आ सकती है। एंड अगर किसी का हार्ट फेलियर हुआ है तो उसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श जरूर करना चाहिए। ड्रग रिएक्शन के बारे में देखें तो UTI की जो मेडिसिन होती है, जो अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसके साथ नहीं लेना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर का जो होता है, इस मेडिसिन का जो होता है इफेक्ट जो होगा वो कम ज़्यादा कर सकता है। एंड पेन किलर मेडिसिन के साथ भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, इसका दवाई का असर जो होता है वो कम कर देता है। सो इस तरीके से आप कार्डियस 5 मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। मैं किसी दवाई का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। तो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड कुछ भी डाउट्स है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आजकल सब्सक्राइब लोग बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, 99% हमारी ऑडियंस ऐसी है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, किसका कोई भी कॉस्ट नहीं आता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।